भैया और आप देख रहे हैं बिहार इंसाइट्स। आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार दौरे पर आए हैं। जी आपको बताएं कि जेपी नड्डा का पिछले 9 महीने में ये दूसरी बार बिहार दौरा है। वहीं आपको बता दें कि आज जो है कैलाशपति मिश्र की जो है 100वीं पुण्यतिथि, और इस मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है पटना के बापू सभागार में। यहाँ पर जो है इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार पहुँचे हैं और वहाँ पर उनका कार्यक्रम भी होना है। इसको लेकर आपको बता दें कि जब जेपी नड्डा बिहार दौरे पर आए, जब वो पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे, तो आप तस्वीरों को देख सकते हैं। जो तस्वीरें निकल कर आई है वहां पे भाजपा के कितने सारे मंत्री भी मौजूद हैं, विधायक मौजूद हैं, नेता मौजूद हैं। तो आपको बताएं कि जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार पहुंचे, जब वो पटना उनका आगमन हुआ, तो कई सारे जो लोग हैं वो देखने को मिले वहाँ पे। उनके स्वागत के लिए बड़े बड़े नेता मंत्री सब वहाँ पे मौजूद थे। वहीं आपको बता दें कि गिरिराज सिंह भी मौजूद थे, साथ ही नित्यानंद राय की बात करें तो वो भी मौजूद थे, पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी, पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के साथ राधा मोहन सिंह, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, प्रमोद कुमार, अमरेंद्र प्रताप, साथ ही आपको बता दें कि पूर्व मंत्री प्रेम कुमार समेत कई बीजेपी के विधायकों ने उनका स्वागत किया। पटना एयरपोर्ट से जेपी नड्डा जो है सीधे बापू सभागार पहुंचे जहां कार्यक्रम है। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बिहार दौरे से पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं में उत्साह भी देखने को मिल रहा है। पटना में बिहार म्यूजियम, हाईकोर्ट, आयकर, गोलंबर, कंकड़बाग चौराहा सहित कई जगहों पर जो है नेता और कार्यकर्ता फूल माला लेकर उनके स्वागत के लिए खड़े रहे। वहीं आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार दौरे पर आए हैं, जहां वे कैलाशपति मिश्र की 100वीं जयंती पर शामिल होंगे। जेपी नड्डा कैलाशपति मिश्र की 100वीं जयंती के मौके पर पटना के बापू सभागार में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे, और इसके बाद जो है बीजेपी नेताओं के साथ ताबड़तोड़ 3 बैठकें भी करेंगे। ये जो बैठक है ये काफ़ी ज़्यादा अहम मानी जा रही है, क्योंकि जो लोकसभा चुनाव है उसको लेकर भी बीजेपी नई नई रणनीतियाँ तैयार कर रही है, और इसको लेकर भी आगे का क्या प्लान है, बिहार में किस तरीके से पार्टी को प्रदर्शन करना है, उस पर भी जेपी नड्डा जो है चर्चा करेंगे। अपने जो नेता है और अधिकारी जो है तमाम इसको चीज़ों को लेकर जो है बैठक करने वाले हैं। 3 बैठक जो होने वाली है जेपी नड्डा की, वो अहम मानी जा रही है। बता दें कि इसको लेकर भी बीजेपी पूरी तैयारी कर चुकी है। जानकारी के अनुसार जेपी नड्डा इन 3 बैठकों में लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी की अलग अलग रणनीतियों पर चर्चा करेंगे। लोकसभा चुनाव के पहले जो है बीजेपी ने अपनी रणनीतियों को धार देना शुरू कर दिया है। एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन है, उसके सामने भी एनडीए किसी तरह से पीछे नहीं रहना चाह रही है, और उस पर भी लगातार बैठकें हो रही हैं। और आज जब जेपी नड्डा बिहार दौरे पर आए हैं, जब बापू सभागार में कार्यक्रम में आयोजित हुआ है उसमें शामिल होने के लिए पहुँचे हैं, उसके बाद वो बैठकें करेंगे। बैठक के बाद जो है ये निर्णय लिया जाएगा बैठक में कि आखिर आगे का क्या रणनीति तैयार किया जाए। तो इस फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।